दोस्तों, आगे हमने एक वीडियो डाला था कि जिसमें हमने LML का एक स्कूटर का इंजन फिटिंग के लिए बोला था कि हम कैसे फिट करेंगे उसके बारे में बताएगी। लेकिन दोस्तों, टाइम रहते हुए हम क्या है कि इसका वीडियो प्रॉपर नहीं बना पाए और गैरेज रोड पे की है तो दोस्तों टाइम नहीं मिल रहा है। तो अभी हमारे सामने रोड है, उसके पास ही हमारा गैरेज है। तो दोस्तों, मैं आज आपको LML का टाइमिंग दिखाई दे रहा हूँ कि किस तरीके से टाइमिंग लिया जाता है। तो इस तरीके से स्कूटर का इंजन सीधा है दोस्तों, और क्या है कि इधर जो दो डॉट बने हैं और इसके बीच में वाला टाइमिंग चक्कर बोलते हैं इसको, तो इसका एक डॉट इधर टाइमिंग में रखना चाहिए। और दोस्तों, ऊपर की साइड में जो एरो बना है वो इसके ऊपर में रहना चाहिए सीट में, मतलब कि ये जो स्क्रू लगा है बीच में उसके सामने, तो आपका ये प्रॉपर टाइमिंग आ जाएगा। और दोस्तों, जब भी आप टाइमिंग लो तो इसको, दोस्तों ये वाला छोटा गियर है, इसको निकाल के इसके टाइमिंग में लगाओ, वरना जितनी बार ये घूमेगा क्रैंक उतनी बार टाइमिंग ये रॉन्ग होता जाएगा। आप घुमाते रहोगे तो भी ये टाइमिंग नहीं मिलेगा दोस्तों। तो उसको करने के लिए क्या है कि इसको इधर ला के फिर आपको क्या करने का है कि ये चक्कर को निकाल के इधर डाल देने का है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा टाइमिंग आसानी से, वरना आप टाइमिंग घुमाते रहोगे टाइमिंग चेंज होता रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। और इसमें क्या है कि हमने इसका टाइमिंग चेन बहुत ख़राब हो चुका था, तो सुपर स्पेंडर का टाइमिंग चेन लेके काट के इसको रिपेयर करके लगा दिया है। और इसका टाइमिंग चेन 74 लिंक का होता है, 74 लिंक का, तो आपको मिल जाए तो ले सकते हो दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। और दोस्तों, मैं ऐसा नहीं हूँ कि कहीं पर भी वीडियो बना दूँ, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो कि जिसके लिए हमको परेशानी होना पड़ा है उसके लिए कोई दूसरा परेशान ना हो, इसके लिए हम वीडियो बनाते। थैंक यू, धन्यवाद।